Unites.com, redefining Bollywood. I feel Rabba mein kya karu, it's a very good film. ये अच्छा बिजनेस करना चाहिए, इसको लोगों को पसंद आनी चाहिए, एक्टर्स भी अच्छे हैं, सेटअप भी अच्छा है, फिल्म बड़े अच्छे तरह से बनाई है, फिल्म का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे लाफ्टर्स हैं फिल्म में, प्लॉट बहुत अच्छा है, थ्रिल है, इंक्विस्टिवनेस है, फ्रेश है। बाकी तो देखो, पब्लिक इज द बेस्ट जज टू डिसाइड कि क्या करेगी। तो सब्जेक्ट बताएगा आपका जब पिक्चर देखेंगे। इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट, एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया है इस पिक्चर में। पिक्चर में 6 गाने हैं और हमारे मेन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सलीम सुलेमान, उन्होंने हमारे पिक्चर के 3 गाने दिए हैं और उसकी जो लिरिक्स लिखी है अमिताभ भट्टाचार्य ने। इसके अलावा हमारा एक गाना है जो आकाश चोपड़ा, जिन्होंने 1971 का भी म्यूज़िक दिया था और जो इस पिक्चर में लीड भी प्ले कर रहे हैं अरशद के साथ, 2 लीड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक गाना दिया है। और एक लाभ जो जोया करके जो है पंजाबी सिंगर, उनका म्यूज़िक और उनका गाना, बिकॉज वो टिपिकल, ये दोनों टिपिकल गाने थे पंजाबी स्टाइल के जो हमने बाहर से करा। ये फिल्म जो है प्योर एंटरटेनर है थ्रू आउट और सटल कॉमेडी है। इट इज़ नॉट स्लैपस्टिक, गिरने पड़ने वाली, कारे वारे उड़ाने वाली नहीं है। इट्स ऑल गुड गोइंग विद द स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन के साथ जो कॉमेडी होती है, दैट ऑलवेज इज़ ए गुड। बहुत अच्छी सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस में आप हंसेंगे भी बहुत, और किस तरह से उससे निकलेंगे या क्या होगा, वही इस फिल्म की USP भी है। तो फिल्म में बाकी जो है सारा थ्रू आउट जो एंटरटेनमेंट डाला जा सकता है या जो है वो बहुत सटल है, स्ट्रेट लाइन है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हमने कहीं से कॉपी किया, ओरिजिनल स्टोरी है। मोती जी का आइडिया था, ओरिजिनल आइडिया वाज गिवन बाय हिम कि ये एक भाई शादियों के टाइम पे ये दो ज्ञान देने आ जाते हैं, तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले, तो वो ज्ञान को पकड़ के ये सारी स्टोरी वीव करी है। और उसमें बाकी स्पोर्ट कास्ट जो है उन्होंने सबने बहुत अच्छा रोल निभाया। तो आई फील द पीपल मस्ट इन्जॉय, वीकेंड है, वीकेंड में अपना लोग इन्जॉय करेंगे। लाइट कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, रिलेट्स टू एवरीबॉडी। ये ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग सा हमने दिखाया, इट इज़ ऑल हैपनिंग डे टू डे लाइफ। और ये सिचुएशन जो हैं इस फिल्म में वो आम लाइफ में आती रहती हैं, सो द पीपल विल रिलेट टू देम, कि उस वजह से मैं सोचता हूँ कि इट शुड वर्क वेल। रबा मैं क्या करूँ, बेसिकली अ फिल्म अबाउट अ गाय हु इज इन लव विद हिज चाइल्डहुड स्वीटहार्ट एंड ही डिसाइड्स टू गेट मैरिड टू हर वंस दे हैव रीच्ड द एज एंड एज एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड इट्स गोइंग, एवरीथिंग इज फाइन। Arshad, Warsi is playing Sahil's cousin, older brother. He comes in and tells him that, dude, getting married is perfect, but after marriage what? He's like, what do you mean after marriage? He's like, after marriage you need to, how do you keep your wife happy? And that's how the film begins, by telling that, I'll tell you rules of how to keep your wife happy after marriage. He says, rule number one is, to have a happily married life, you have to cheat on your wife. And that's how the film starts off. And then how everything from being a hunky-dory, beautiful, 1 week marriage that's happening, from everything going from perfect to completely disaster, and then how the film comes. Rabba Main Kya Karu per se is not a wedding film. Rabba Main Kya Karu's backdrop is of a Punjabi wedding, 7 days of Punjab, but we use it only as a backdrop. And because we wanted the family and his mamas and everything to be there, so we use it as a backdrop. But it's not a wedding film per se, I would say. It's more about the relationship that Arshad Warsi and Akash Chopra share in the film, that they are chemistry. Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.